आप लोगों को अगर लगता है कि कोरोना या COVID-19 जो है ये कोई मसला नहीं है, ये सब एक झूठी साजिश है और ये मरीजों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो आप, क्योंकि हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम जो डॉक्टर्स हैं, हम बहुत थके हुए हैं। अभी भी मैं कोरोना से ड्यूटी करके आ रही हूँ, ये मेरे मुंह पे मास्क के निशान है और दुख रहा है, मुंह हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो हम लोग तो क्योंकि मरीजों को एडमिट कर करके और उनका इलाज कर करके बहुत थक गए हैं और हमारे ऊपर बहुत वर्कलोड है और हमारे पैरामेडिक्स पे भी। तो आप काइंडली वॉलंटियर करें, आप लोग हमारे वार्ड्स में आएं, जो पेशेंट्स की आलाइशें उठाई जाती हैं, उन्हें खाना खिलाना होता है, उन्हें नहलाना धुलाना होता है, उनकी बेड शीटें चेंज करनी है, इस तरह के छोटे मोटे काम, आप आएं और हमारी मदद करें, ताकि जो हमारा असिस्टेंट अमला है उसको भी थोड़ी हेल्प मिले, उन्हें भी रिलीफ मिले, जो कि रोज पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनके घर वाले रोज मर रहे हैं बेचारों के, काम करने वालों के, डॉक्टरों के, पैरामेडिक्स के, उनको भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और आपके अंदर जो दो मुंह वाला कीड़ा है, जो आपको ऐसी बातें बनाने फैलाने और मानने पे उकसाता है, वो उसको भी थोड़ी तशफी उसकी होगी कि वो आएगा, आप आके देखेंगे कि वाकई क्या जहर के टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, अपनी आंखों से देखें ना, जाके देखें, उन वार्डों में काम करें, और पीपीज भी फिर ना पहने, कोई प्रोटेक्टिव चीज ना पहने। हालांकि हम आपको ऐसे वार्ड में जाने नहीं देंगे, हम आपको जरूर पीपीई देंगे, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो आप आए, कोरोना के पेशेंट्स का ख्याल करें हमारे साथ और अपनी आंखों से देखें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये जो जहर वाला टीका है, मैंने तो अपनी, मुझे भी कोई 15-20 साल डॉक्टर बने हुए हो गए हैं, 15-1 साल तो हो ही गए हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ये जहर वाला टीका जो है ना, ये आज तक नहीं देखा कि ये आखिर कौन सा टीका होता है जहर वाला, ठीक है ना, कोई ये 12-15 साल में मैंने नहीं देखा। तो एक तो मुझे भी बताएं ये कौन सा टीका है, दूसरी बात यह है कि बॉडीज क्यों नहीं दी जाती कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की उनके घर वालों को, क्योंकि बंदा मर भी जाए तो भी उसके अंदर वायरस अभी, मतलब उसके जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है, जो उसकी पूरी बॉडी है, वो इन्फेक्टेड है। जो बंदा उसको नहलाएगा, जो बंदा उसको कफन पहनाएगा, जो उसके नजदीक जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी बॉडीज को आपने हाथ नहीं लगाना, उनको हम खुद ताबूत में डाल के आप जो है ना उनको दफना देते हैं आपके सामने। अगर आपको वाकई में लगता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आप आए, आप वॉलंटियर करें, आप आके उनकी डेड बॉडीज को देखें।